हाय गाइस, दिस इज अमरदीप सिंह बैक विद अनदर फिटनेस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्टीमेट न्यूट्रिशन का BCAA और दूसरा है हमारा साइन्यू कंपनी का L-ग्लूटामाइन। आज हम दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्टीमेट न्यूट्रिशन वेल नोन कंपनी है, अमेरिका का टॉप ब्रांड है। ओलंपिया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, उसको स्पॉन्सर करता है। और इसके जो बेनिफिट से क्या है, जो इंडियन मार्केट में सस्ता मिलता है बाकी प्रोडक्ट से, इसके प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते हैं। और अब BCAA के बारे में बात करते हैं। BCAA क्या है? BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में कई BCAA का रिव्यू किया है, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है। आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। BCAA फ्लेवर्ड BCAA है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे प्रोटीन का। प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मसल रिकवरी करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो वर्कआउट के दौरान हमारे इलेक्ट्रोलाइट, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, उसको अप करके रखता है। इसके बारे में अब इसके अंदर क्या है, इसके सर्विंग साइज है 1 स्कूप 6 ग्राम का, जिसके अंदर 3 ग्राम लूसीन, 1.5 ग्राम वेलिन और 1.5 ग्राम आइसोलूसीन सर्विंग। जो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले भी बहुत BCAA के बारे में बताया कि वो अच्छे हैं, बेस्ट हैं, तो इसमें क्या पॉजिटिव है कि हम इसके बारे में भी आज बात कर रहे हैं। इसके अंदर पॉजिटिव ये है कि ये हमें 2000 से 2200 जो बाकी BCAA हैं वो जिस अमाउंट में 30 सर्विंग देते हैं, ये उतने ही अमाउंट में 60 सर्विंग हमें प्रोवाइड करता है। तो जिसको पैसे की प्रॉब्लम है और उसको प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए और सस्ता चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यूज़ करो, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं इसको सेकेंड टाइम ले रहा हूँ, इट्स ओपन, यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं डेली अपने वर्कआउट के टाइम पे। आप इसको प्री वर्कआउट के साथ भी ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के साथ भी ले सकते हो और वर्कआउट के दौरान भी ले सकते हो। आपका अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लो होता है, आपकी एनर्जी लो होती है, तो ये उसको अप करके रखेगा। तो ये था इसका पॉजिटिव पॉइंट्स, क्यों लें। बाकी सब वही है, रिकवरी देगा, अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन बेनिफिट ये है कि ये सस्ता है और क्वालिटी अच्छी है। तो अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है और आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा साइन्यू का L-ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन क्या होता है? ग्लूटामाइन भी हमारा एक अमीनो एसिड ही है। ये क्या करता है? इम्प्रूव मसल रिकवरी, नई मसल्स जो ग्रोथ करती हैं उनको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि मसल सोरनेस हो जाती है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो सबसे बड़ा ये होता है कि कई बार आपको लगता है कि मसल रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पंपिंग अच्छे से आ रही है, मसल अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन घर जा रहे हो या आप रेस्ट ले रहे हो, 1-2 घंटे बाद सब साइज और रिकवरी और जो आपको एक डेवलपमेंट दिखती है बॉडी में, वो कहीं गायब हो जाती है। वो ग्लूटामाइन उसको भी इंक्रीज करता है, आपको बॉडी में चेंजेस आते हुए दिखेंगे। ग्लूटामाइन हमें हमारे फूड से भी मिल जाता है, हमारे नट्स, फिश और मीट से ग्लूटामाइन हमें मिल जाता है, हमारी डेली जो हमारी डाइट होती है उससे। लेकिन एक एज के बाद हमारी बॉडी उस फूड से ग्लूटामाइन को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, क्योंकि उसके अंदर और भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी होंगे, तो ग्लूटामाइन हमारी बॉडी बहुत ही कम अमाउंट में बनाती है उस फूड से, तब हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टीनेजर्स हैं, 20-22 साल के, 23 साल के हैं, 18 से 22 साल के, तो उनको ग्लूटामाइन लेने की, प्रोडक्ट लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इतना एनफ ग्लूटामाइन जनरेट करती है कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हो। तो अब ये करता क्या है मसल रिकवरी में, मैंने बता दिया आपको, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, आपकी मसल डेफिनेशन आएगी, अलग अलग मसल आपको जनरेट होती हुई, डेवलप होती हुई दिखेंगी, आपकी बॉडी के अंदर एक शेप, अच्छी शेप देगा और फुलर रखेगा आपकी बॉडी को, पंप अच्छा आएगा और वो मेंटेन रहेगा पूरे दिन तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं। अब इसको लेंगे कैसे, क्या डोजेस होंगी, किस टाइम होंगी, आप इसको सुबह उठते भी ले सकते हो और प्री वर्कआउट में ले सकते हो, आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो, आप एक्सरसाइज करने के बाद आप प्रोटीन के साथ मिक्स करके इसको ले सकते हो, मैं उसी टाइम लेता हूँ, और आप सोने से पहले भी ले सकते हो, क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो एक कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाएगी, तो आपकी बॉडी को एक रिकवरी मोड में रखेगा। तो जो ये साइन्यू कंपनी का है, ये इसकी पैकिंग थोड़ी सी उतर गई है यहाँ से,
पैकिंग थोड़ी सी हल्की है लेकिन प्रोडक्ट एक नंबर का है, आप इसको यूज करो और मैं इसको रेकमेंड करूंगा। सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, आप इसके पैकिंग पे मत जाइए, पैकिंग कब हो सकता है शायद इसी बॉक्स की ऐसी हो, और अगर सबकी ऐसी है तो अगर कंपनी वाले इस वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान आपकी पैकिंग पे दीजिए, क्योंकि लोग पहले पैकिंग देखेंगे बाद में प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर इसकी सर्विंग की बात कर लेते हैं, एक टीस्पून 5 ग्राम का है और ग्लूटामाइन की जो हमारी एक सर्विंग होगी हम एक स्पून लेंगे वो भी 5 ग्राम का ही होगा। डेली हमारी बॉडी को जरूरत 5 ग्राम ग्लूटामाइन बहुत होता है। ये इसका साइज है स्कूप का, ये ग्लूटामाइन है, अनफ्लेवर्ड है, कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन प्रोटीन में मिक्स करके आप ले सकते हो इसको और ऐसे भी ले सकते हो। तो आपकी बॉडी का, अगर आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ और कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, तो आपकी पैक में ग्लूटामाइन ऐड करें, ये बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। और मैं अपने जो मेरा लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन के आइसोसेंसेशन के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मैं वीडियो बताऊंगा इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन मेरे को ग्रोथ दे रहा है, मैं कटिंग में चल रहा हूँ, इस टाइम कटिंग फेज है मेरा, लेकिन मेरी मसल्स को वो उसने अच्छे से होल्ड कर रखा है, मेरी मसल डाउन नहीं हो रही है। तो आप, मैं उसको भी कहूंगा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसोसेंसेशन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था। तो आज मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या उसका रिजल्ट रहा है, अब तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।